नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर लिनोवेटिक एकेडमी से विवेक मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेंस। तो मैं आपको टेंस के टाइप्स ही नहीं बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानने के पहले अगर आप उसकी परिभाषा जानते हैं तब उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो टेंस की डेफिनेशन आपको बताता हूँ मैं। हम अगर बात करते हैं टेंस की डिफिनेशन की, तो टेंस किसी भी वाक्य में क्रिया का वह रूप जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि वाक्य में किए गए कार्य का समय से क्या संबंध है। मैं फिर से बोलता हूँ मैं कि बेसिकली अगर हिंदी में इसको कहें तो काल कहते हैं या फिर समय बोलते हैं। तो काल किसी भी क्रिया में किसी भी वाक्य में क्रिया का वह रूप जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि वाक्य में किए गए कार्य का समय से क्या संबंध है। जैसे कोई कोई वाक्य बोलते हैं हम, अगर लिखते हैं जैसे मैं जाता हूँ, तो जा रहा हूँ मतलब जाना एक क्रिया है, बट वो जाता हूँ कब, जाता हूँ कब, नहीं जाता हूँ मतलब समय के साथ उसका क्या संबंध है। तो बेसिकली हम उसको कहते हैं टेंस। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेंसेज की। तो तीन ही संबंध हो सकते हैं समय के साथ, या तो वो काम हो चुका होगा या हो रहा होगा वर्तमान में या फिर फ्यूचर में होगा। तो इसके बेसिस पे टेंस हम तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं टेंस को। टेंस के तीन टाइप्स होते हैं बेसिकली, समझते हैं इसको एक बार फिर से। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो फ्यूचर टेंस हिंदी में इसको बोलते हैं वर्तमान काल इसको, भूतकाल इसको बोलते हैं, भविष्यकाल। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल को हम कैसे पहचानते हैं बेसिकली सेंटेंसेस में। ठीक है, ये तीन टाइप्स होते हैं। इन सारे तीनों टेंसेस के जो होते हैं चार टाइप्स। मैं आपको डिटेल में आज टाइप्स बता देता हूँ पहले, उसके बाद वन बाय वन पर डे मैं आपको एक एक टाइप का टेंस बता के उसमें जितने भी टाइप के सेंटेंसेस बन सकते हैं उसका ट्रांसलेशन मैं करवाऊँगा वन बाय वन। और वीडियो के लास्ट में हमने आज कुछ सीजीएल के इंग्लिश के वोकैब से रिलेटेड आपको चीज़ें बताई हैं, हमारे साथ बने रही है। तो वर्तमान काल, तो वर्तमान काल भी चार टाइप, प्रेजेंट टेंस भी चार टाइप्स के होते हैं, पास्ट टेंस भी चार टाइप्स के होते हैं, फ्यूचर टेंस भी चार टाइप्स के होते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो टेंस नाम का ऐसा समझिए इसको कि टेंस नाम का कोई एक व्यक्ति है, उसके तीन बच्चे हैं, एक का नाम प्रेजेंट टेंस है, दूसरे का नाम पास्ट टेंस है, तीसरे का नाम फ्यूचर टेंस है, और उन तीनों के चार चार बच्चे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी में बताता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है सामान्य वर्तमान काल। क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है क्या? अपूर्ण वर्तमान काल। अभी इसको मैं आपको समझाता हूं विद एग्जांपल कि कैसे पहचानेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट को क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्तमान काल। और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब पूर्ण तत्कालिक वर्तमान। तत्कालिक क्यों बोल रहा हूं इसको मैं बताता हूं डिटेल में अभी। पूर्ण तत्कालिक वर्तमान, पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम। सामान्य वर्तमान पहले तो हमें समझते हैं कि प्रेजेंट टेंस कैसे पहचानेंगे। तो जिन वाक्यों के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, जैसे राम जाता है,
गीता खाती है, मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं गाता हूँ, तो ता है वे जाते हैं, हम सब आते हैं, तो ता है ती है ते हैं आता है, तो वो सामान्य वर्तमान काल होते हैं। इसमें पता है कि हाँ अभी काम ये वर्तमान में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। अब देखिए अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण का मतलब काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है, काम चल रहा है या क्रिया हो रही है अभी, बट अभी पूरा नहीं हुआ है। तो जैसे राम जा रहा है, मैं खा रहा हूं, तो इन वाक्यों के अंत में क्या होता है, रहा है, रही है, मतलब ये जितने भी हैं, जितने भी चार टाइप्स हैं प्रेजेंट के, उसमें लास्ट में है आ रहा है, ठीक है। पूर्ण वर्तमान काल प्रेजेंट परफेक्ट, मैं जा चुका हूं, पूर्ण वर्तमान पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है मैं बोल रहा हूं ना, और प्रेजेंट की बात हो रही है, तो मैं जा चुका हूं, मैं खा चुका हूं, मैं नहा चुका हूं, मैं सो चुका हूं। अब जिस तरह से आप बोल सकते हैं चुका है चुकी है, तो इन वाक्यों के अंत में चुका है चुकी है आते हैं। फिर बात करते हैं पूर्ण तत्कालिक वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या होता है, परफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो पूर्ण वर्तमान मतलब पूरा हो चुका है, इसके साथ कंटिन्यूअस भी लग गया है, कंटिन्यूअस भी लग गया मतलब ये काम हो रहा है और ये पता है कि कब से हो रहा है। एक तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देखिए कंफ्यूज मत होना है, आप लोग मत होइएगा यहाँ पे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब है कि मैं जा रहा हूं, अब इसमें ये नहीं पता है कि मैं कब से जा रहा हूं, मैं कितने दिन से जा रहा हूं, ठीक है, मैं यात्रा कर रहा हूं, वे लोग जा रहे हैं, इसमें समय नहीं पता है। बट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमको पता होगा कि ये काम या कोई भी क्रिया कब से हो रही है। जैसे मैं 4 दिन से विद्यालय जा रहा हूं, तो इसमें हमको पता है, इसीलिए मैंने यहां पे बोला कि कंटिन्यूअस है मतलब हो रहा है और ये अभी वर्तमान में ही चल रहा है, ठीक है, पूर्ण तत्कालिक वर्तमान। तो आपको इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी किसी में प्रेजेंट टेंस में काम चल रहा होगा और उसमें उसके साथ समय दिया होगा, समय कब से काम वो चल रहा है, कब से, इस चीज को ध्यान देना आप लोगों को। तो ये हो गए, तो मैंने आपको बताया टेंस था, उसके 3 बच्चे थे, इन तीनों के 4-4 बच्चे हुए, तो इन्होंने क्या किया, सबका नाम यही रखा, इनडेफिनेट कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनडेफिनेट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड सॉरी परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उनको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो रही थी सबको, तो इन्होंने क्या बोला कि सब लोग अपने नाम के आगे अपने डैडी का नाम लगा दो, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे, इन्होंने कहा ठीक है मेरे वाले का नाम पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, इसका पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, इसका फ्यूचर सॉरी पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। सेम उसी तरीके से इन्होंने भी अपने बच्चों के नाम के सामने फ्यूचर लगा दिया, तो ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट, ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस, और ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट, और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज मैंने आपको मतलब अभी तक जो बताया हुआ है, टेंस की डेफिनेशन बताई है, मैं फिर से बता रहा हूं, टेंस किसी भी वाक्य में क्रिया का वह रूप होता है जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि वाक्य में किए गए कार्य का समय से क्या संबंध है, ठीक है। और आज फिर भी मैंने बताया आपको कि कैसे पहचानेंगे हम प्रेजेंट टेंस को, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण तत्कालिक वर्तमान काल। उसी तरीके से भूतकाल इसमें लगा देंगे जहां पे हमने वर्तमान लगाया यहाँ पे, ठीक है। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण तत्कालिक भूतकाल, ठीक है। इसमें क्या होगा, इन टेंस को कैसे पहचानेंगे, भूतकाल मतलब जो काम हो चुका है, मतलब पास्ट में हो चुका था, ठीक है। जैसे वह गया, ठीक है, वह गया, वह जा रहा था, वह गया, वह जा रहा था, ठीक है, और उसके बाद वह जा चुका था और वह 3 दिन से जा रहा था, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस भी है, वह 3 दिन से जा चुका है, 3 दिन से जा चुका है, कोई सेंटेंस आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, बट वह 3 दिन से जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, वह 3 दिन से जा चुका था, जिन वाक्यों के सॉरी वह 3 दिन से जा रहा था, तो रहा था, रहे थे हैं, इसमें उसके साथ समय कब से वो काम हो रहा है, उसको बोलते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरीके से फ्यूचर टेंस की बात हम करते हैं,
मैं आप लोगों को ये पहली चीज तो मैं बता दूं, मैं इतनी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रांसलेशन पे फोकस करना चाह रहा हूँ और एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस आए हैं उनको मैं सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आप लोग इसको आइडेंटिफाई करना सीख लीजिए, टाइप्स कितने होते हैं इसको हिंदी में समझ लीजिए कैसे पहचानते हैं। उसके बाद आपको जब मैं भी एक्सरसाइज करवाऊंगा तब आपको अच्छे समझ में आएगा कि इनके ट्रांसलेशन करने के सही नियम क्या होते हैं। फ्यूचर में भी सॉरी फ्यूचर में क्या होता है, भविष्य में होगा, भविष्य मतलब आगे होगा, ना भूत में हुआ था ना वर्तमान में हो रहा है, अब वो आगे होगा वो काम, इसलिए उसको हम बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे हम बोल दें कि तुम क्या कर रहे होगे, तो अगर कंटिन्यूअस की बात आ रही है तो एक चीज ये याद रखना है, जिनको टेंस के बारे में कुछ भी बिल्कुल नहीं पता है, जहां पे कंटिन्यूअस की बात हो रही है वहां पे रहा, रही, रहें, अभी रहें, अभी लास्ट में नहीं बता रहा हूं। अगर रहा है, रही है तो ये प्रेजेंट का हो गया, रहा था रही थी तो ये पास्ट कंटिन्यूअस क्यों का हो जाएगा। फ्यूचर की बात अगर हम करेंगे तो रहा होगा, होगी, होंगे, ऐसा कुछ, ठीक है, तो इसमें गा गी गे वाला है, बट वो कंटिन्यूअस का है, रहा रही। अब हम बात करते हैं आज, वैसे आज के लिए हम ये कहेंगे कि आज हम टाइप्स ही बता रहे हैं आप लोगों को, इसके अलावा मैं आपको पहले कल बताऊंगा प्रेजेंट टेंस के जो चार टाइप्स हैं उस पर ट्रांसलेशन करवाऊंगा, एक एक करके करवाऊंगा, सो दैट यू ऑल कैन लर्न इजीली। उसके बाद पास्ट टेंस का बताऊंगा एंड फ्यूचर टेंस का, तीन तीन वीडियोज हमारे आपको टेंस पे मिलेंगे, और उसके साथ लास्ट का जो वीडियो होगा फोर्थ वन वो फोकस होगा कि हम एक्सरसाइज करवाएंगे उस पर, एंड देन वी विल स्टार्ट नरेशन एंड एक्टिव पैसिव वॉइस। आज हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन का, 2019 का क्वेश्चन है ये, वोकैब से रिलेटेड था ये, एक वर्ड था असाइलम, असाइलम एक वर्ड था, इसमें पूछा गया था इसका सिनोनिम क्या होता है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2019 का था, सिनोनिम पे पूछा गया था असाइलम का सिनोनिम बताइए आप, तो चार ऑप्शन दिए गए थे। पहले तो मैं आपको हिंदी में बताता हूँ असाइलम का मतलब क्या होता है, ठीक है, असाइलम का मतलब होता है शरण स्थान, क्या होता है शरण स्थान, इसकी सिनोनिम जो होती है वो शेल्टर होती है, बट अभी असाइलम को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं, असाइलम होते क्या है, द प्रोटेक्शन ग्रांटेड बाई अ स्टेट टू समवन हु हैज लेफ्ट देयर होम कंट्री एज अ पोलिटिकल रिफ्यूजी, आप बोल सकते हैं, ठीक है, पोलिटिकल रिफ्यूजी, पोलिटिकल रिफ्यूजी में क्या कह रहा हूं कि जैसे आप कह सकते हैं कि कोई मे बी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको अपनी कंट्री में सेफ नहीं फील हो रहा होगा, होता है, ठीक है, एंड दे आर नॉट कैपेबल इनफ टू अर्न नो फॉर देयर लिविंग, तो उनको उनको उनके लिए क्या होता है, बेसिकली उनको शरण स्थान वो एज असाइलम और एज अ शेल्टर वो कोई ऐसी कंट्री सर्च कर लेते हैं जहाँ पे उनको आप वो थ्रू वीजा भी जा सकते हैं या फिर थ्रू एनी एनी टाइप ऑफ आप कह सकते हैं कि फ्यू कंट्रीज आर देयर इन इन वर्ल्ड वो असाइलम्स को मतलब असाइलम्स को आप कह सकते हैं कि रिफ्यूजीज को असाइलम या फिर शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं, तो इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं शरण स्थान, इसका सिनोनिम होता है शेल्टर। अब बात करते हैं हम आज के जो हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड है, आप लोग असाइलम मत भूलना, शेल्टर भी मत भूलना, ठीक है, और बात करते हैं आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2019 में ही, ठीक है, तो क्वेश्चन उसमें लिखा था कि अ पर्सन हु नोज मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस उसको क्या बोलते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसको ढेर सारी कई सारी विदेशी भाषाओं का ज्ञान हो, उसको आती हूँ, ठीक है, भाषाएं आती हैं, उसको बोलते हैं लिंग्विस्ट, एल आई एन जी यू आई एस टी, हिंदी में बोलते हैं भाषाविद, इस शब्द से काफी लोग परिचित होंगे, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लिंग्विस्ट। अब आप लोग एक वर्ड लैंग्वेज से रिलेटेड और होता है उसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा बाइलिंगुअल, क्या दे दिया जाएगा बाइलिंगुअल, इसका मतलब होता है द्विभाषिक, बाई का मतलब टू होता है ना, बाइनरी भी तो आप बोलते हो, तो उसी तरह से बाइलिंगुअल, लिंगुअल एक, बाइलिंगुअल दो, इसको बोलते हैं द्विभाषिक,
अब देखिए डिफरेंस देखिए, इसमें ये भी ऑप्शन होगा ये भी ऑप्शन होगा। लिंग्विस्ट का मतलब होगा कि इसको कई सारी भाषाओं का, फॉरेन लैंग्वेजेस का नॉलेज है, ही नोज मैनी लैंग्वेज, मैनी फॉरेन लैंग्वेज, उसको बोलते हैं भाषाविद। तो आपको इस पे टिक करना था, जिन्होंने इस पे टिक किया होगा उनका रॉन्ग था आंसर, ठीक है। और आज के लिए हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा, कल मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा प्रेजेंट टेंस के डिटेल के साथ में, जिसमें आपको मैं ट्रांसलेशन एग्जांपल्स और कुछ एसएससी सीजीएल और अदर एग्जाम्स में आईबीपीएस में भी आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे हैड।